ये क्या तूफान आने वाला है? तूफान बड़ी तेजी से दक्षिणी हिस्से की तरफ बढ़ रहा है। स्थानीय निवासियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे कर लें। अरे बाप रे, तूफान आने वाला है, क्या मुसीबत है। क्या वो हमें कुछ देगा? हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर देगा, कोई गिफ्ट जैसी चीज। तूफान वो होता है जिसमें तेज बारिश के साथ जोर जोर से हवाएं चलती हैं। वो बहुत ही खतरनाक होता है और काफी तबाही मचाता है, समझे? अच्छा, लेकिन ये तूफान हमसे मिलने क्यों आ रहा है मॉम? इससे पहले कि तूफान आए मैं मार्केट से सामान ले आती हूँ। कोई नहीं जीत सकता। एक्शन कमिन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सारे सूखे कपड़े बाहर से उतार लिए, तुम तो वाकई बहुत अच्छे बच्चे हो शिनचैन। इसके बदले में मैं तुम्हारी फेवरेट गेम लेकर आऊंगी। किसी के कपड़े आसमान में। अरे कपड़े हैं। ये जो कपड़े उड़ रहे हैं ये हमारे हैं? आप ठीक समझी, ये हमारे घर के कपड़े हैं। हाँ? ओ शिनचैन, उन कपड़ों को वापस लाना होगा। ये कैसे होगा? ओफो, पता नहीं ये तूफान कब रुकेगा। सुनिए मॉम, बाहर मौसम खराब है, क्या हम शीरो को घर के अंदर ले आए? हाँ, तुम शीरो को अंदर ला सकते हो शिनचैन, लेकिन सिर्फ आज के लिए। और एक बात का ध्यान रखना कि वो घर को गंदा बिल्कुल भी ना करे। मैं ध्यान रखूंगा। पता नहीं क्या करेगा। अरे मॉम, आपका ध्यान से चलना चाहिए था। क्या कहा तुमने शिनचैन? लगता है तूफान और तेज हो गया है। शिनचैन, दरवाजा खोलो। मेरी मॉम ने कहा है जब तक तूफान खत्म ना हो जाए तब तक दरवाजा ना खोले। दरवाजा खोलते हो कि नहीं? अरे मॉम, ये तो आप है, मुझे लगा तूफान आया है इसलिए मैंने अपना दरवाजा बंद करके रखा था, सॉरी। और अब एक जरूरी सूचना, जो तूफान दक्षिणी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था अब वो उत्तर की तरफ बढ़ने लगा है। लोगों से हमारा निवेदन है कि वो अपने घरों में ही रहें। ये तूफान अब तक का सबसे खतरनाक तूफान है और इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए लगातार हमारा चैनल देखते रहें। धन्यवाद, हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे, पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। और अब तूफान पर चर्चा करने के लिए हमारे एक्सपर्ट अब दोबारा नहा कर आई। सुनो शिनचैन, अब तुम किसी खिड़की को नहीं खोलोगे। अगर डैड आएंगे तब तो खोलना पड़ेगा ना। मैं खोल दूंगी, तुम्हें खोलने की जरूरत नहीं है। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। ओह, तूफान बड़ी तेजी के साथ उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये तूफान तो सचमुच बहुत तबाही मचाएगा, क्योंकि बाहर रहने पर किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। मुझे लगता है ये तूफान हमारे घर के अंदर घुसना चाहता है। कैसी बातें करते हो तुम? मुझे उससे पूछना है क्या वो मेरे गिफ्ट लाया है। तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं।
मैम आपको पता है एक्शन कामीन ऐसे तूफानों को चुटकी में हरा देता है। हाँ बिजली चली गई। ओफो ये इमरजेंसी लाइट पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। अब इस अंधेरे में कहाँ ढूंढूं? मेरे हाथ में टॉर्च नहीं रोशनी की ताकत है। तो टॉर्च तुम्हें मिल गई? एक्शन बीम। शिनचैन अब मजाक मत करो। एक्शन बीम। कहा ना मजाक मत करो। शुक्र है घर को पहुंच गया। अरे दरवाजा खोलो मैं घर आ गया। कोई है क्या घर में? दरवाजा खोलो। कहाँ चले गए सब? अरे कहाँ गए सब लोग? दरवाजा खोलो। मां कोई अंदर आना चाहता है। कौन आना चाहता है तूफान? शायद हो भी सकता है वही हो, पर मैं कुछ कह नहीं सकता। अरे दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। दोस्तों लड़ाई लड़ना गलत बात होती है। खजामा तुम्हारा तो रंग बदल गया है। हम एक आइलैंड पर जो गए थे। खजामा आखिर तुम गए कहाँ थे? इस साल हम एक हफ्ते के लिए आइलैंड पर गए थे। वैसे तो हम दो हफ्ते रुकते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने सोचा तुम्हें गुदगुदी करके देखूं कैसा लगता है। कजामा तुम बदल गए हो, अब तुम्हें गुदगुदी नहीं होती। ऐसी कौन सी जगह गए कि इतने काले हो के आ गए? मैंने तुम्हें बताया ना कि हम आइलैंड पर गए थे। एक बार और बताओगी? हम एक आइलैंड पर गए थे शिनचैन। क्या कहा तुमने? वो आइसलैंड है। तुम्हें नहीं लगता कजामा कुछ बदल सा गया है? हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ खेल रहे हैं। सुनो चुप रहो। पता है तुम्हें हम यहाँ पहले से खेल रहे थे। समझ में आई इसकी बात? शिनचैन तुम कुछ करते क्यों नहीं? ठीक है। सुनो शिनचैन अब तुम क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? अरे शिनचैन आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? तुम्हारी ये हिम्मत? देखो शिनचैन। सुनो दोस्तों मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं कल खेलूंगा। वो बात ये है कि कल रात में ढंग से सो नहीं पाया, इसलिए कमर में दर्द हो रहा है। ये क्या ऐसी बातें करता रहता है? हाँ, ये क्या शिनचैन, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे गुस्सा क्यों आएगा नैनी? हम दोनों यहाँ पर खेलने आए थे और ये हमें खेलने नहीं दे रहे। बोलो शिनचैन। पर इन्हें स्लाइड से हटाएं कैसे? कह दो इनको कि प्लीज यहाँ से चले जाएं और हमें यहाँ खेलने दे। कि प्लीज यहाँ से चले जाए और हमें खेलने दे। ये तुम क्या बात कर रहे हो शिनचैन? पहले हम लोग यहाँ खेलेंगे। क्यों ना हम बारी बारी खेलें? चलो हम खेलते हैं। हाँ चलो। अब स्लाइड करें। नहीं शिनचैन मुझे उनके साथ नहीं खेलना। अब खेलते क्यों नहीं तुम लोग शिनचैन? हाँ हाँ जल्दी आओ। ये मैं जीत गया, तुम हार गए। मैं जीत गया, अब तुम हार गए। मैं जीत गया। अभी तो हम लोगों ने पूरी तरह खेलना भी नहीं शुरू किया शिनचैन। हम कैसे जीते? नहीं नहीं मैं जीत गया। हाँ हाँ तुम हार गए। नहीं नहीं मैं जीत गया। हाँ हाँ तुम हार गए। सुनो शिनचैन मैं अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। हाँ? रुक जाओ, ये उसकी चाल है हम दोनों को गुस्सा दिलाने के लिए, समझे? क्या चाल है? शिनचैन जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो जोड़ी बनाते हैं। हाँ? हाँ, हम तो पहले से ही दो हैं। तुम अपने ग्रुप से किसी को भी बुलाकर अपनी भी जोड़ी बना लो, ये ठीक होगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो जल्दी करो। नैनी सुनो, क्या तुम मेरी टीम में आओगी? बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं खेलना चाहती। एक बात अच्छी तरह समझ लो, इस गेम में सिर्फ लड़के ही जोड़ी बनेंगे, समझे? शिनचैन मेरी बात सुनो, क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? बोलो। मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, तुम मेरी टीम में नहीं आना चाहते पर रोना मत करो। ठीक है। अब इसे क्या हुआ? इस गेम को खेलना इसके बस की बात नहीं। ये भोजन है।
ट्रिक है बो। हाँ, हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, सही कहा। शिनचान, किसी ऐसे लड़के को लेकर आओ जो हमारा मुकाबला कर सके। ठीक है, मैं अभी आया। देखो, एक बात समझ लो, तुम भागे तो हमसे बचोगे नहीं। क्या बात है, क्या तुम्हें हमसे कुछ कहना है? नैरी, अगर इस गेम के बारे में तुमने टीचर को कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। हे, मेरी नींद पूरी हो गई। बच्चों, जरा बताओगे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम प्रिंसिपल को क्यों लेकर आ गए? पर यही मेरे पार्टनर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम तुम ही लोगों को खेलना चाहिए। मैं चलता हूँ। ओके, खेलते रहो। बाथरूम जाना है। चुप रहो। मेरी टीम में तो कोई नहीं। अपनी टीम में किसी को भी लेकर आओ, समझे? हम स्कूल के बाद तुम्हारी क्लास के पीछे वाले गार्डन में तुम्हारा इंतजार करेंगे। वहाँ किसी को लेकर आ जाना। ठीक है दोस्तों, स्कूल के बाद मिलते हैं। क्या कहा, हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। अरे कज़ामा, क्या बात क्या है, तुम मेरी टीम में आओगे? तुम्हारी टीम में? मुझे भी नहीं पता। कैसी बातें कर रहे हो शिनचान? क्यों ना कज़ामा, हम खेलने चले। हाँ, ये ठीक रहेगा। दोबारा करते हैं। दोबारा करते हैं। चलो चलो। वहाँ पर दो सीनियर स्टूडेंट्स थे, पर मैंने उन्हें ठीक से नहीं देखा। आपने उन्हें टॉयलेट में जाकर ढूंढा? मैं भूल गई। मैम, मुझे तो लगता है आजकल आप कुछ ज्यादा ही भूलने लगी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम भूलती होगी चीजें, मैं बिल्कुल नहीं भूलती। बस बस, लड़िए मत। क्या कहा आपने, मैं हर चीज भूल जाती हूँ? हे शिनचान, यहाँ पर मत सो, चलो हमें घर जाना है। अब चलो भी शिनचान। ठीक है। गुलाब ऐसा फूल है जिसे हर कोई पसंद करता है, और इसीलिए वो सब जगह मिलता है। शिनचान, तुम यहाँ नहीं सो सकते, चलो उठो। आज का दिन बहुत मजेदार था स्कूल में। पता है, मुझे स्कूल आना बहुत पसंद है। शिनचान, शिनचान उठो भी। पता है, लेटर लिखने में बहुत मजा आता है। मम, मैं खेल के आ गया। ओह, ये क्या किया तुमने शिनचान? अब क्या लिख रही है मम, दिखाइए ना। नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख रही थी। तो ऐसी बात है, मैं भी अपने दो शीरों को एक लेटर लिखूंगा। तुम्हें लेटर लिखने की क्या जरूरत है? तुम्हें सीधे सीधे जाकर उसे बात कर लेनी चाहिए, समझे? लेटर लिखकर अपनी बात कहने का मजा ही कुछ और है। जो दिल में आए करो, पर मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है। शिनचान, प्लीज ऐसी आवाजें मत निकालो। लेकिन क्या लिखूं शिरो को कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी तुम्हारे दिल में आए तुम लिख सकते हो। मैं उसे लिखूंगा कि उसे खाने में क्या मिलने वाला है। शिरो, तुम कैसे हो मेरे दोस्त? देखो शिनचान बेटा, शिरो तुम्हारा लिखा हुआ लेटर नहीं पढ़ सकता। हाँ, पढ़ लेगा। मैं इसे डॉगी लैंग्वेज में जो लिख रहा हूँ। तो ये बात है। सुनो शिनचान, मेरा लेटर तो पूरा हो गया। मेरा भी बस पूरा ही होने वाला है। अब मैं स्टैंप लगा देती हूँ। चलो, ये तो हो गया। गंदा है। ऐसा ही होता है, एक लगानी होती है। तुम सारी क्यों लगा रहे हो शिनचान? मैं तो स्पीड पोस्ट कर रहा था मैम। एक ही स्टैंप लगाओ। सिर्फ एक ही लगाने से जल्दी कैसे पहुँचेगा मम? क्या तुम अकेले वहाँ जा पाओगे शिनचान? आप फिक्र मत कीजिए मम, मैं ये पोस्ट करके आता हूँ। तुम्हें पता है कि ये कहाँ पोस्ट करना है? हाँ,
सुनो शिनचैन, तुम इसे सीधा शीरो को क्यों नहीं दे देते? मैंने इस पे टिकट लगा दिया है, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएंगे माँ। मैं चलता हूँ। बिना एड्रेस के ये कहीं नहीं पहुँचेगा शिनचैन। शीरो को जब ये लेटर मिलेगा तो वो कितना खुश होगा। बिल्कुल नहीं सुनता ये किसी की। जब तुम इसे पोस्ट करोगे तो वहाँ दो बॉक्सेस होंगे, तुम्हें उसमें डालना है जो लेफ्ट में होगा, समझे? मैं समझ गया। राइट वाले में नहीं। हाँ, राइट वाले में नहीं, लेफ्ट वाले में। बिल्कुल ठीक कहा। आराम से जाना शिनचैन, बाय। ये इतना ऊंचा है, मैं लेटर कैसे डालूंगा? पहला है पोस्ट कार्ड के लिए और दूसरा है। अरे बच्चे, क्या बात है? मैं ये लेटर पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ, फिर तुम आराम से ये लेटर डाल सकते हो। हाँ? चलो ठीक है बच्चे, अब तुम इस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हो। लेकिन मैंने कौन से वाले में पोस्ट करूँ? मैम, बात ये है कि इन अंकल को भी नहीं पता कि ये लेटर राइट में डालने हैं कि लेफ्ट में डालने हैं। नहीं नहीं मैडम, ये लड़का बिल्कुल झूठ कह रहा है। रहने भी दीजिए, कोई बात नहीं, ये रेगुलर पोस्ट है इसलिए ये इस बॉक्स में जाएगा। अब ये लेटर अपनी जगह पहुंचा दिए जाएंगे शिनचैन। लेकिन मैम, ये जाएंगे कैसे? हाँ? इसके तो पैर भी नहीं है। इन सभी लेटर्स को जो आदमी ले जाएगा उसे पोस्टमैन कहते हैं। वो पोस्टमैन यहाँ आएगा और सभी लेटर्स को बॉक्स से निकाल कर उन्हें दूसरी जगह पहुँचा देगा। समझ गए शिनचैन? समझ गया। अच्छा तो कल स्कूल में मिलते हैं शिनचैन। ठीक है मैम, कल स्कूल में मिलते हैं। अपनी इतनी देर क्यों की? मुझे अपने लेटर पोस्ट करे कितनी देर हो चुकी है, मैं न जाने कब से इंतजार कर रहा हूँ, पता है आपको? इसका मतलब तुमने अपना लेटर गलती से गलत बॉक्स में डाल दिया। नहीं, मैंने अपने लेटर सही बॉक्स में डाले हैं। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? पोस्टमैन अंकल, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लेटर जल्द से जल्द उनको अपनी जगह पहुँचा दीजिए। मैं तो उन्हें जल्दी ही पहुँचाता हूँ। लेकिन अगर मेरे लेटर्स बीच रास्ते में कहीं खो गए तो? ऐसा नहीं होगा बच्चे, मैं इन्हें सही सलामत सही जगह पर पहुंचा दूंगा, समझे? नहीं, आपको ये लेटर्स पोस्ट ऑफिस में नहीं पहुंचानी है। अरे पोस्ट ऑफिस में सभी लेटर्स को छांटा जाता है, फिर पोस्टमैन उन्हें सही जगह पर पहुंचा देता है। इसका मतलब आप इन्हें नहीं पहुँचाएंगे? नहीं मैं नहीं। तब तो मेरे लेटर्स खो सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, दूसरा पोस्टमैन उन्हें सही जगह पर पहुंचा देगा, समझ गए तुम? इसकी क्या गारंटी है? अगर तुम गारंटी चाहते हो तो तुम उन्हें रजिस्टर्ड करा सकते हो। रजिस्टर्ड क्या होता है? अगर तुम अपने लेटर को रजिस्टर्ड करवा लोगे तो वो पक्के तौर पर वहीं पहुंचेगा जहां उसे पहुंचना चाहिए, समझ गए? क्या? इसका मतलब जो लोग रजिस्टर नहीं करते उनके लेटर्स कभी पहुंच नहीं पाते? नहीं ऐसी बात नहीं है। ओह, पता नहीं ये शिनचैन कहाँ रह गया, अभी तक ये वापस घर लौट कर क्यों नहीं आया? मैं आ गया। शिनचैन, इतनी देर तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मुझे भूख लगी है। क्या, पहले मेरी बात का जवाब तो दो। सुनिए मैम। जी बताइए, क्या बात है? ये है आपका लेटर। हाँ? आपका बेटा चाहता था कि आपका लेटर सही जगह पर सही सलामत पहुंच जाए, उसने अपना काम करवा ही लिया। हाँ? हाँ? मैम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। शिनचैन, उसने ये लेटर मुझे भेजा है। मेरा बेटा कितना प्यारा है, लाखों में एक है। आपने ठीक कहा। शीरो, हिलो मत, अभी तुम पर एड्रेस लिखना बाकी है। सोचता हूँ कहीं ये रजिस्टर होगा या नहीं। जब देखो तब शैतानी।